अभी मैं फुल तैयार हो चुकी हूँ, फुल रेडी हूँ मैं, और अभी हम जा रहे हैं बाबा के घर। वहां जाके फटाफट से राखी देंगे, थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे अंशु गोलू के साथ, और उसके बाद हम फटाफट वापस आइए क्योंकि हम रुक नहीं सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सबके लिए खाना वाना बनाना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जाएंगे, फटाफट से राखी देंगे, फटाफट से वापस आ जाएंगे, उसके बाद ढेर सारी मस्ती करेंगे और सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और आप लोग भी मेरे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने लिंक शेयर करें कि आपने अपना रक्षाबंधन फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करा। मैं सबके ब्लॉग लाइक करूंगी, शेयर करूंगी। और ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट से बाबा के घर क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है, जल्दी से जाएंगे तभी जल्दी से आ पाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, चलते। सो गाइस, निकल गए मैं और चीकू, और आप देख सकते हो क्या हाल है मार्केट का। हम बहुत बुरी तरीके से मार्केट में फंस चुके हैं। और गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे ही एंड करेंगे। आज के डे का, नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कल है रक्षाबंधन, 31 अगस्त को बाबा के घर के यहाँ कोई क्लिप मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी, तो इस वजह से मैं कल ब्लॉग शेयर करूंगी मॉर्निंग में कि हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कैसे करेंगे कल का लोग। सो नेक्स्ट डे हो चुका है, आज है 31 अगस्त, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और मैं कर रही हूँ सुबह सुबह घर में पूजा, हमारे यहाँ पूजा होती है सुबह पहले, उसके बाद राखी पूजी जाए। और मम्मी जी मुझे समझा रही हैं यहाँ पर कि हमें जो सिवैयाँ बनाई हैं उससे राखी लगानी है, यहाँ पर तिलक करना है। तो बस जैसे जैसे वो बता रही हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके में ये पूजा नहीं होती है, इस वजह से मुझे इतना पता नहीं है पूजा के बारे में, लेकिन जैसे जैसे वो बता रही हैं वैसे वैसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग के यहाँ ये पूजा होती है या नहीं। देखो इधर गर्मी है, गर्मी हो गई, हवा निकल रही है, अभी पसीना आएगा, आइसक्रीम खा ली मैं रात में, अब गला पकड़ लिया। आइसक्रीम भाई खा के आई थी तुम लोग? नहीं, कल भी तो खाई है हमने, अभी परसों खाई, लगातार 3 दिन से लगातार खा ली, गला हो गया। नहीं नहीं करना, अच्छा नहीं करना, मैं नहीं करना, घर चलू ना। अच्छा चलो ना, हम तो जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा अरे मजाक कर रहे हो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे अपने घर जाना है। ये भी तो अपने घर है, चल रहे हैं चल रहे हैं। सो अब स्टार्ट होता है राखी का फेस्टिवल। ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननंद, सबसे बड़ी वाली दीदी, तो सबसे पहले ही तिलक कर रही है हमारा। इसको पकड़नी है? नहीं, ये बैठा ही उल्टा हाथ से खिलाऊंगी ना, चाहे उसे रोली नहीं लग जाए ना। हाँ ये चल रहे हैं अभी नीचे, माथे पे वगैरह लग गया ना, बवाल का है। अरे चल नहीं, तू मामा का टीका कर रहे हैं ना, आज बोलो चल रहे हैं अभी, वो ना देख देख के फोटो बाद में खिंचवाएंगे। पकड़ो लाइट पर, वो जल्दी जल्दी इधर देख के, इधर देख यार, मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया। पहले से ऑन करते हैं ना,
अभी खा ला चलो कौन सा बनती है राइट राइट में बनती है हां यहाँ नहीं रहना मन नहीं लग रहा हो गया यहाँ से बस पूरा और दीदी ने बहुत ही सुंदर राखी बांधी है बहुत प्यारी राखी है मुझे बहुत बहुत पसंद आई है ये राखी और ये मैं बाद में भी यूज कर सकती हूँ ऐसा सेट ऐसा ब्रेसलेट बहुत अच्छी राखी है मुझे झुकने के लिए जगह दो चलो बढ़िया और उसके बाद चीकू ने दिया दीदी को गिफ्ट राखी का और अब बांधेंगी सबसे छोटी वाली दीदी ये मेरी सबसे छोटी वाली ननद है क्योंकि बीच वाली दीदी जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है वो आएंगी दोपहर में तो वो तब आएंगी तब राखी बांधेंगी तब मैं दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में है वो भी क्लिप तो बने रहें ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद दीदी ने बांधी हम दोनों की राखी और बहुत सारी दी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छा अच्छा बोला दीदी ने तो उसके बाद राखी अभी हम वेट करेंगे बेबी दीदी का जो मैंने बताया था कि हमारे जो बड़ी मम्मी है उनके उनकी बेटी है तो वो भी आ रही हैं और दीदी जैसी आ जाएंगी तो वो भी राखी अभी बांध देंगी क्योंकि 7 बजे तक का मुहूर्त है शुभ मुहूर्त जो है तो 7 बजे तक जो जो बांधे अच्छा है तो दीदी भी निकल गई है सुबह ही और आने ही वाली होंगी बस तो दीदी आ जाएंगी तो वो भी राखी बांधेगी अभी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक दीदी रह जाएंगी मेरी एक ननद मतलब जो बरेली में रहती है बस वो रह जाएंगी तो वो दोपहर में आने वाली है तो वो जब आएंगी वो तब राखी बांधेंगी बाकी लोग लेकिन पहले ही फटाफट बांध देंगे और दीदी जो है वो बार बार अपने बेटे को समझा रही है उनका छोटा सा बेटा है जो अभी मैंने दिखाया था बाइक पर बैठा हुआ था युवराज तो उसको समझा रही है वो बहुत दर्द कर रहा है रोने की उसको अपने पापा की चिंता हो रही है उनके पास जाना है और दीदी भी बहुत प्यारी राखी लेकर आई थी मेरे लिए जो दीदी ने बांधी है कड़ा है बहुत सुंदर कड़ा है मुझे बहुत अच्छा लगा सबकी राखी बहुत बहुत अच्छी थी मैं एंड में एक राखी के फोटोज आपके साथ शेयर करूंगी आप लोग देखना ये देखिए कितना मैंने दिखाया कितना प्यारा कड़ा लग रहा है और ये दीदी आ चुकी है सबसे पहले दीदी का आशीर्वाद लेते हैं उसके बाद दीदी फटाफट से राखी बांधेंगी हमारे दीदी भी बिल्कुल टाइम पे आ गई है राखी अभी स्टार्ट ही हुई थी और दीदी भी आ गई मतलब वेट नहीं करना पड़ा बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे आ गई और ये दीदी भी बहुत अच्छी है नेचर बहुत बहुत अच्छा है इनका भी मेरी सारी नंदे बहुत अच्छी हैं तो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं तो मुझे तो मेरी तो सारी की सारी फेवरेट हैं चारों और अब फटाफट से दीदी राखी बांधेंगी दीदी राखी ढूंढ रही है कहाँ रख दी उन्होंने फटाफट से दी मिल गई है दीदी फटाफट से पहले चीकू की राखी बांधेंगी उसके बाद मेरे राखी बांधेंगी उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे मम्मी जी मामा जी आए हुए हैं उनके राखी बांधेंगी और फिर बच्चों की राखी करवाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे मेरे मैके मतलब रामपुर जाना है हमें रामपुर में मेरे भैया हैं वो बुला रहे हैं बहुत ज़्यादा तो हम रामपुर जाएंगे और रामपुर की राखी करके फटाफट से आएंगे क्योंकि दीदी के आने से पहले पहले हमें आना है वापस तो अभी फटाफट से दीदी राखी बांधे उसके बाद हम लोग फटाफट से नीचे जाएंगे नीचे जाके सबको फटाफट नाश्ता देंगे नीचे राखी करवाएंगे सबकी और उसके बाद फटाफट से निकलेंगे रामपुर के लिए जिससे जल्दी जल्दी जाएं जल्दी जल्दी आएं और आप ये देखिए ये दीदी ने राखी बांधी ये लटकन वाली राखी है बहुत बहुत ही बढ़िया लगी मुझे तो बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें और ये लटक रही है नीचे लेकिन इसमें बस मुझे एक दिक्कत हो रही थी मैं बार बार काम कर रही थी तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन मुझे ये राखी बहुत अच्छी लगी और ये राखी की सबसे अच्छी बात ये कि आप इसको भी सेट बना सकते हो गले में पहन सकते हो लॉकेट टाइप लगेगा ये तो बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी राखी है तो सारी राखियाँ बहुत अच्छी थी सबने बहुत अच्छी अच्छी राखी बांधी मतलब दिल खुश हो गया मेरा सारी सारी राखियां देख के सारी की सारी राखियां बहुत बहुत अच्छी थी और अब चीकू देंगे फटाफट सबको गिफ्ट तो उसके बाद एक दो फोटोज क्लिक करवाएंगे फटाफट से फोटो क्लिक कराने के बाद हम जा रहे हैं अब नीचे तो चलते हैं देखते हैं नीचे क्या हो रहा है दीदी चल रही है मैं दीदी के पीछे पीछे और हम आ गए नीचे और ये देखिए मम्मी जी बांध रही हैं मामा जी के राखी ये मम्मी जी के भाई हैं तो ये मामा जी हैं ये भी टाइम पे ही मॉर्निंग में आ गए थे और मम्मी जी फटाफट इनकी राखी बांध रही हैं जिससे मामा जी की भी राखी बन जाएगी उसके बाद बच्चे आपस में राखी बांधेंगे दीदी भी बांधती है मामा जी की राखी तो दीदी भी बांध रही है फटाफट मामा जी की राखी उसके बाद दीदी का जो बेटा है वो देखिए सामने खड़ा है युवराज और इधर जो बेटी खड़ी है वो इन दीदी की है तो ये आपस में राखी बांधते बाकी हम सब खड़े हुए देख रहे हैं तो फटाफट से सब लोग राखी बांधेंगे।
फोन लिया क्यों है? जब उसे जिम में रखना है तो फोटो खींच रहा है। यूबी हाँ नहीं चाहिए, तुम कर सो रही हो। दुआशी हाँ दीदी चार्जिंग में लगे। कोई नहीं एक बोल लेना ना ना ये इसको क्या रही है ये So, अब होगी बच्चों की राखी आपस में फटाफट। और ये है दीदी की बेटी, इसका नाम है माही और ये बांधेगी अपने भाई की राखी। और कितनी प्यार से देखिए बांध रही है, बहुत ही क्यूट है माही। बहुत बहुत शांत रहती है, बहुत ही ज्यादा सिंसियर और जिसे कहना चाहिए, मैं तो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है सारी चीजें। और ये फटाफट से बांधेगी लाइट वाली राखी। मेरे को बहुत पसंद है लाइट वाली राखी। मैं जब छोटी थी मैं भी अपने भाइयों के लाइट वाली राखी बांधती थी, और जब गोलू छोटा था चाची का बेटा तो उसको भी मैंने बहुत टाइम तक लाइट वाली राखी बांधी है। बहुत अच्छी लगती है लाइट वाली राखी, और छोटे बच्चों को तो वैसे भी पसंद होती है, फेवरेट होती है छोटे बच्चों की। और देखिए कितने प्यार से उसको टीका लगा रही है, हल्का सा उसके नाक पे लग गया तो उसको साफ कर रही है। तो बहुत ही प्यारे मोमेंट्स लगते हैं ऐसे, और फेस्टिवल तो होता ही है सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज के लिए। और उसके बाद अब फटाफट से ये करके हम निकलेंगे रामपुर। एंड थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट जिया जी, ये बड़े जिया जी थाईलैंड से मेरे लिए लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर पर्स है ये, बहुत सुंदर, मेरे को बहुत बहुत पसंद आया। पहले मैं दूसरा क्लच लेके जाने वाली थी, लेकिन जब जिया जी ने मुझे गिफ्ट करा मुझे इतना पसंद आया कि मैं इसी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ अब। और थैंक यू सो मच, थैंक यू जिया जी। हेलो गाइस, तो फटाफट से राखी सबकी हो गई है और अब मैं निकल गई हूँ अपने मैके के लिए। वहाँ पे जाके हम लोग जा रहे हैं रामपुर, रामपुर में सबके राखी बांधूंगी, उसके बाद फटाफट से राखी करके वापस आएंगे, क्योंकि अभी मेरी एक ननंदानी रह गई है, जो दीदी है बीच वाली वो आएंगी दोपहर तक, तो उनके आने से पहले हमें वापस भी आना है। हम फटाफट से रामपुर में जाएंगे, सबके राखी बांधेंगे और खूब इंजॉय करेंगे और फुल ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। तो हम पहुंचे रामपुर, हमें मिलता है सरप्राइज, वहां पे मम्मी भी पहुंची हुई होती हैं, क्योंकि ये मेरे मामा जी का घर है और ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा है। तो मम्मी ने टीका करा मामा जी का, सबसे पहले मम्मी ने राखी बांधी तीनों मामाओं के मेरे, और उसके बाद फिर मैं राखी बांधूंगी और मेरी दोनों छोटी बहनें राखी बांधेंगी भैयाओं के। लेकिन पहले मम्मी ने राखी बांधी मामा जी की, और ये सारे बच्चे हैं मेरे भैया भाभी के, तो बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं और कितने प्यार से शांति से सब बैठे हुए हैं। और वो जो सामने बैठा है वो कृष्णा है, वो मेरे भैया का बेटा है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही अच्छा और बहुत शांत है, मतलब बिल्कुल शैतानी नहीं करता है, बहुत ही अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। और फिर जल्दी जल्दी देखिए यहाँ पे अब मम्मी राखी बांध रही हैं और ये सब क्यूटी प्यूटी स्माइल कर रहे हैं। तो मम्मी ने राखी बांध दी है बड़े मामा के, उससे निछा बोलता है कि अब मम्मी बांधने जाएंगी उधर राखी। और ये देखो पहले रुक गई, ले 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 चॉकलेट आप इधर मुंह करिए, मेरी तरफ और मम्मी ने सारे बच्चों के राखी बांधी और मामा जी के भी राखी बांधी। तो पहले हमने मम्मी से ही सबके राखी बंधवा दी, जब मम्मी बांध के हटेंगी उसके बाद फिर हम लोग बांधेंगे। और उसके बाद बांधी नव्या ने, ये भैया की बेटी है तो ये अपने दादाजी के राखी बांध रही है। हमारे यहाँ पापा के दादाजी के भी बेटियाँ राखी बांध देती है, मैं भी अपने पापा के राखी बांधती हूँ, अपने बाबू के राखी बांधती हूँ, मैं भी बचपन से सबके राखियाँ बांधती हूँ। और अब उसे राखी हो गई है बच्चों की, अब मम्मी बांधेंगी भैया भाभी के राखी। तो ये है मेरे बड़े भैया और भाभी, तो मम्मी अब पहले इनका टीका करेंगी, उसके बाद फिर मैं बांधूंगी इन लोगों की राखी, फिर मेरे से छोटी वाली बहन कसक और परेशानी।
तो फटाफट से मम्मी राखी बांध रही हैं दोनों के। और ये मेरे मामा जी के छोटे बेटे और बहू हैं, मतलब ये छोटे भैया भाभी हैं, तो अब मम्मी ने बड़े भैया भाभी की राखी बांध दी है, अब इन दोनों की राखी बांधेंगी, उसके बाद मम्मी की राखी हो जाएंगी कंप्लीट, उसके बाद बांधेंगे फिर हम लोग राखी। तो फटाफट से मम्मी राखी बांध देंगी जल्दी से। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, आज कपड़ों से नहीं लगाएंगे ये झूठे ब्लॉग, सुबह की चॉकलेट वाले 10,000 रुपए महीना बताते हैं। लो राखी ले लो, जीजू को भी लगा रखा है 10,000 रुपए महीना बिस्तर आया हुई है। अभी चलो बाबू, नहीं रेडी में यही बोलते ये देखो मेरा जो लटका तब याद आ गई। बन गए और तू गए हो जाता है कि भूल हो जाती है कभी कभी। इसकी राखी भी दे दे, वो पैकेट ना लाया हमारा वो केवीएन है ना वो पक्की वाले। ओहो अच्छा, ओ प्रमोशन होते हुए बोला भी रहा हूँ कहीं वैसे। हाँ मैं तो कह रही हूँ प्रमोशन हो रहे हैं बहुत हो गया। तो रिकॉर्ड कर लूँ, भैया ने दिया, ये कड़े भैया ने दिए, भैया ने दिए, भैया दिलाते हैं गिफ्ट क्यों रे भैया दिलाता हूँ बोल। सो मैंने और कसक ने तो राखी बांध दी है, अब नंबर आया है ईशानी का, वो राखी बांध रही है और खूब ज्यादा मस्ती मजाक चल रहा है। मैंने बीच बीच में ऑडियोज ऑन करी, आप देख सकते हो फुल ऑन सब मस्ती कर रहे हैं और ऐसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में भी मजा आता है। तो ऐसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए सबके साथ, क्योंकि जब सबके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अब बड़े भैया की तो राखी बांध दी थी, अब मैं बांधूंगी छोटे भैया भाभी के फटाफट से राखी, उसके बाद मेरे बात का सक एंड निशानी। तो हम सब मम्मी बैठी हुई है, राखी बांध रहे हैं और इसके बाद मुझे वापस से घर भी जाना है जल्दी से, क्योंकि मेरी ननंद भी आने वाली है। तो फटाफट से मैं जल्दी जल्दी राखी बांध रही हूँ और जल्दी जल्दी राखी बांध के हम लोग फटाफट से निकलेंगे, क्योंकि वरना हम लेट हो जाएंगे और दीदी आ जाएंगी। तो अभी मेरे जो दूसरे वाले मामा जी हैं उनका बेटा भी है, उसके भी राखी बांधूंगी मैं। तो ये रहा जिसे मैं चिढ़ा रही थी, ये भी ब्लॉग्स बनाता है और इसको गोल्डन प्ले बटन भी मिल चुका है, तो इसी को मैं चिढ़ा रही थी। और अब निकलने का टाइम हो चुका है, ये है मेरी दोनों भाभियाँ और ये मेरा क्यूटी पाई कृष्णा जो कि मुझे बहुत प्यार करता है। और अब हम निकलेंगे जल्दी क्योंकि फटाफट से हमें घर पहुँचना है, दीदी आ चुकी है, हमारे पास कॉल आ गई है। तो हमने करा जल्दी से सबको टाटा बाय बाय और हमने कर दी निकलने की तैयारी शुरू और हम दोनों निकल गए हैं फटाफट से। लेकिन हमें अब बीच में जाना है मौसी के घर, क्योंकि मैं मौसी के भी दोनों बेटों की राखी बांधती हूँ। तो मौसी ने आज हमारा खाना भी कराया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उनके यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसलिए हम पहले मौसी के यहाँ जा रहे हैं और फिर सब कम्प्लीट करके देन हम लोग घर जाएंगे। तो फटाफट से मौसी की राखी बांध के हम लोग आते हैं घर। और घर पे आ चुकी हैं दीदी और ये है दीदी का बेटा हर्षित एंड ये है दीदी की बेटी मिली। और अब दीदी बांधेंगे हम लोगों की राखी। तो ये है मेरी बीच वाली ननंद जो कि बरेली में रहती हैं और ये दीदी भी बहुत बहुत प्यार करती है हमें और बहुत अच्छी है, आपको लग रहा होगा देख के पता चल जाता है नेचर का। और ये उनकी बेटी मिली। फिर दीदी को जाना पड़ा तो दीदी ने फटाफट से राखी बांधी, उसके बाद हम सब ने खाना खाया। तो वो क्लिप मैं इसमें ऐड नहीं कर पाऊंगी। तो अब इन लोगों के जाने का टाइम हो गया है, दीदी आई थी रुकने के लिए बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। तो बाकी लोग रुके हुए हैं लेकिन सिर्फ जो दीदी लेट आई थी सबसे वो सबसे जल्दी जा रही है। तो दीदी निकल चुकी है फटाफट से, सब बाय बाय कर रहे हैं और टाइम से पहुंच जाएंगी, अगर टाइम से निकल गई हैं तो टाइम से जल्दी जल्दी घर भी पहुंच जाएंगी।
दीदी को अपने घर जाके भी काफी काम है, क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन तो यार दोनों जगह काम होता है, ससुराल में भी मैके में भी, तो दोनों चीजें देख के चलनी पड़ती हैं। तो बस दीदी जाजी चले गए हैं और हम सब ने दीदी जाजी को कर दिया है बाय बाय टाटा। और ये क्लिप है मौसी के घर की, जब मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग पहले गए थे मुरामपुर से सीधे मौसी के घर, तो ये मेरे बड़े भैया भाभी हैं, इनके मैंने राखी बांधी, उसके बाद छोटे भैया की राखी बांधी और उसके बाद मैं अपने ससुराल गई थी, तब दीदी ने हमारे राखी बांधी थी। तो ये क्लिप मैं ऐड करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। कथक ने भी राखी बांधी, हमने मौसी ने खाना करा था हमारा, बहुत टेस्टी खाना बनाया था, बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी खाने में, तो बहुत मज़ा आया। बहुत हैक्टिक था आज का दिन, क्योंकि मेरे को अपने भाइयों के अभी राखी करनी थी और इधर मेरी नंदे भी आई हुई थी तो वो भी देखना था, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो लेकिन सब अच्छे से हो गया, सब अच्छे से हैप्पी हैप्पी हो गए थे। तो अब हम लोगों ने भैया भाभी के राखी बांधी, ये छोटे भैया है मेरे इनके राखी बांधी और ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन है तो इसने राखी बांधी, हम सब ने राखी बांध के फिर मौसी के घर से फटाफट से हम लोग खाना खा के निकले थे। मुझे टेंशन होती क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और दीदी आ चुकी थी, बट हमने सोचा कि हम बाद में शायद नहीं आ पाएंगे, तो इस वजह से मौसी के घर भी होते हुए गए थे। और अब मैं बांधूंगी भैया के राखी जैसे कि आप देख सकते हो, और ये फटाफट से राखी बांधेंगे। उसके बाद हम चले गए थे, हम टाइम से पहुंच गए थे, दीदी को आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था तो हम लोग पहुंच गए थे उनके आने तक। तो फटाफट से यहाँ से राखी बांध के खाना खा के जल्दी से निकल गए थे। और फिर दीदी का तो मैंने आपको दिखाया ही कि दीदी आई, उन्होंने राखी बांधी, खाना खाया और वो जल्दी ही चली गई थी क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकती थी। वैसे वो रुकने के लिए आई थी बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको जल्दी जाना पड़ा। तो फटाफट से हम भी यहाँ पे चाय नाश्ता करके खाना वाना खा के फटाफट से निकल गए। और सब लोगों के जाने के बाद मैं जाती हूँ रात में अपने मैके अपने पापा के राखी बांधने। आज पूरे दिन पापा के मम्मी के घर जाने का टाइम ही नहीं मिला, मम्मी पापा के भी मैं राखी बांधती हूँ, तो मैंने मम्मी की राखी बांधी, पापा के राखी बांधी, फिर मेरी जो छोटी वाली बहन है वो भी पापा के राखी बांधती है। जैसे कि मैंने आपको बताया रक्षाबंधन जो होता है, राखी सूत्र जिसे कहते हैं, वो हम उसके बांधते हैं जो हमारी रक्षा करता है, और पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों की रक्षा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं बचपन से अपने दादा के, चाचा के, पापा के, सबके राखी बांधती हूँ, और लड़कियाँ बांधती हैं यार अपने पापा के, सबके। और यहाँ पे मेरी बहन बांध रही है मेरे राखी, ये मेरे से छोटी वाली बहन है, ये मेरी राखी बांध रही है। और सिमरन गई है अपने ससुराल वहाँ पे राखी करने के लिए, इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन वो अपनी राखी दे गई है। तो पहले उसकी राखी बांधेगी कसक, उसके बाद अपनी राखी बांधेगी, उसके बाद ईशानी भी अपनी राखी बांधेगी। ये लोग बचपन से मुझे राखी बांधते हैं, तो बहनों को भी आपस में राखी बांधनी चाहिए। अगर जिनका भाई नहीं होता है, वैसे तो मेरे इतने सारे भाई हैं, लेकिन जिनके भाई नहीं होता है, जिनके पास कोई राखी बांधने के लिए नहीं होता है, तो उसमें बहनें आपस में भी राखी बांध सकते हैं। हमने जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इसका फेस्टिवल का नाम है रक्षाबंधन, जो भी हमारी रक्षा करता है, जो भी हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें उसकी राखी बांधनी चाहिए। और हम तो आपस में हमेशा से बचपन से ही सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, हम बहनें आपस में एक दूसरे के राखी बांधते हैं। मैं नहीं बांधती हूँ, ये छोटे हैं मेरे से ये लोग, लेकिन तीनों मेरे बचपन से राखी बांधते हैं। और ईशानी हम तीनों के राखी बांधती है, देखिए मेरे बांधने के बाद वो गई कसक के पास, मेरे बांधने के बाद उसने फटाफट से कसक के राखी बांधी, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने आपको दिखाया मैं कहाँ कहाँ गई, किस किस के साथ मैंने राखी बांधी, और अभी एक भैया रह गए हैं जिनके मैंने अभी तक राखी नहीं बांधी है, और मैं हर रक्षाबंधन को उनकी राखी बांधती हूँ, तो अभी तक वो रह गए क्योंकि यार पूरे दिन टाइम ही नहीं मिला जाने का, तो इस वजह से भैया रह गए हैं। तो अब मैं जाऊंगी भैया के पास, उनके भी राखी बांधूंगी। तो बस आ गई हूँ मैं भैया के घर, वैसे भैया आते हैं हमेशा मेरे से राखी बंधवाने, लेकिन इस बार कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से भैया नहीं आ पाए, तो चीकू ही लेकर आ गए थे मुझे इनके पास, तो मैं आ गई। और देखिए मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, पूरा पीस मिठाई का मेरे मुंह में डाल दिया है। और ये है मेरी आज की राखियाँ जो मुझे बंधी है, और ये कुछ फोटोज़ हैं जो मैं ऐड ऑन कर रही हूँ इसमें आज के। तो आज का दिन बहुत 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 अच्छा था, आपके साथ मैंने पूरा रक्षाबंधन के सारे फोटोज क्लिप सब कुछ शेयर करा। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो खूब सारे लाइक्स करें, कमेंट करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करें।
क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। और ये मम्मी जी ने सबके विदाई करी थी तो उसके बाद सब लोग चले गए थे। दीदी, बड़ी वाली दीदी अभी रुकी हुई है, सबसे छोटी वाली दीदी है, ये मॉर्निंग में ही चली गई थी जब हम लोग रामपुर गए थे, तो पीछे से ये चली गई थी और मैंने दिखाया आपको। बाकी सब भी हाथों हाथ चले गए थे, बस एक बड़ी वाली दीदी जो है वो रुकी हुई है, वो नेक्स्ट डे जाएंगी। ये दीदी तो यहीं लोकल की थी तो ये भी उसी टाइम ही चले गए थे। बस ये बड़ी दीदी और जियाजी थे जो कि रुके हुए हैं, तो ये भी नेक्स्ट डे चले जाएंगे। हम वैसे कोशिश करेंगे रोकने की, अगर रुक जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उनको जाना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग अगर गाइज अच्छा लगा हो तो नीचे दिए चैनल को प्लीज़ नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। और हम बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत से ब्लॉग लेकर आती हूँ मैं, बहुत अकेले शूट करती हूँ और पूरा एडिट करके आप लोगों के सामने सब लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ब्लॉग को प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखें। जिसने अभी तक मेरे बाकी ब्लॉग्स नहीं देखे तो एक बार जाकर उन ब्लॉग्स को भी देखें। आई होप आप लोगों को उन बहुत सारे ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। गाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवाशी 2815। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।